बहुत काम आएंगे ये 44 कुकिंग टिप्स। सबसे पहले खीरे का जूस त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, इससे ठंडक होता है, शरीर की गर्मी को कम करता है और त्वचा को ठंडा करता है। नेक्स्ट है चंदन पाउडर को त्वचा पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, साथ ही त्वचा पर निखार आता है। नेक्स्ट है धीरे धीरे खाना खाया करें, इससे पेट की बीमारियाँ और पेट की गैस खत्म होती है। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स वाला दूध पीने से शरीर की कमजोरियाँ दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है। नेक्स्ट है अगर सोते समय आपके आंखों में आंसू आते हैं तो दिमाग और आंखों की कमजोरी हो सकती है। नेक्स्ट है दही में गुलाब का अर्क मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाती है। नेक्स्ट है अगर आप रात को सोते समय एक गिलास पानी एक लौंग खाकर सोते हैं तो आपको कब्ज तेजाब और पेट दर्द जैसी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है खाने में ज़्यादा घी का इस्तेमाल करने से गले में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है जामुन के बीज को पीसकर इसका सेवन करने से शुगर जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है यदि आपको अचानक से ठंड लगने का एहसास हो रहा है तो हल्का गुनगुना पानी पी ले, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठकर और गुटगुट करके ही पीना चाहिए। नेक्स्ट है अगर आपको कब्ज की समस्या है तो रोजाना पपीता ज़रूर खाएं, पपीता खाने से कब्ज की समस्या खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है रात के समय दांत साफ करके और एक गिलास पानी पीकर सोए। नेक्स्ट है अगर रोजाना गुड़ का एक टुकड़ा छोटा सा पीस अदरक के साथ खाया करें तो जोड़ों में मजबूती आएगी और दर्द दूर होगा। नेक्स्ट है अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो लहसुन का सेवन करने से बचे, यह रक्तचाप को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भोजन करने से अतिरिक्त खुशी मिलती है। नेक्स्ट है शाम को मूंगफली खाने से खांसी की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है अपने दांतों को हमेशा ठीक रखना है तो हर खाने के बाद कुल्ली करना ज़रूरी है और सुबह शाम ब्रश किया करें। नेक्स्ट है अजवाइन का पानी पीने से शरीर की चर्बी कम होती है और आपके पाचन शक्ति मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता बनाए रखें, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में व्रतियों को प्रतिदिन सुबह शाम स्नान करना चाहिए, साथ ही धन और पूजा स्थल की स्वच्छता का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। पूजा स्थल को रोजाना गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही पूजा करें, इस दौरान माता को लगाए जाने वाले भोग शुद्ध व सात्विक होना चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी गरीब या साधु संत अगर द्वार पर आए तो उन्हें खाली हाथ ना लौटाए, मान्यता है कि यदि नवरात्रि के नौ दिनों में अगर आपके द्वार पर कोई भी भिक्षु या ज़रूरतमंद व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें, बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार उसे कुछ दान करना शुभ होता है। नेक्स्ट है नवरात्रि में व्रत के दौरान फलों का सेवन कर सकते हैं, सफ़ेद नमक के स्थान पर व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है मासिक धर्म में न करें पूजा, माता रानी की पूजा में सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए पूजा के नियमों में यह बताया गया है कि कभी भी नवरात्रि के दौरान यदि स्त्री रज्वला है हो तो उसे घर या मंदिर कहीं भी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है तामसिक भोजन से बचे, शास्त्रों की माने तो नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से सात्विकता बनाए रखनी चाहिए, किसी भी तरह के तामसी भोजन के सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर जो लोग नवरात्रि व्रत रखते हैं उन्हें नौ दिनों तक घर में सात्विक भोजन बनाकर सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट है इन दिनों मदिरा यानी शराब भी नहीं पीना चाहिए, और अगर घर में कोई शराब पीता है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे माँ दुर्गा आपसे नाराज़ हो जाती है। नेक्स्ट है घर को अकेला ना छोड़े, नवरात्रि के नौ दिनों तक घर को बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग नवरात्रि के नौ दिनों में ना सिर्फ व्रत रखते हैं बल्कि अपने घर में कलश स्थापना अखंड ज्योति और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। जो लोग इस दौरान व्रत रखकर घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत की देखरेख के लिए किसी न किसी को घर में ज़रूर रुकना चाहिए।
नेक्स्ट है बाल या नाखून ना काटे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में बाल नाखून या दाढ़ी मूछ बनाना भी वर्जित माना गया है। यह सभी कार्य नवरात्रि शुरू होने से पहले या बाद में काटने चाहिए। नेक्स्ट है चमड़े की चीज़ों का प्रयोग ना करें। शास्त्रों की मानो तो पूजा पाठ या किसी भी धर्म कर्म के कार्यों के दौरान चमड़े व चमड़े से बनी चीज़ें का प्रयोग वर्जित माना गया है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में माँ की पूजा आराधना के समय जहाँ तक संभव हो चमड़े और चमड़े से बनी चीज़ों का प्रयोग करने से बचें। नेक्स्ट है किसी का अपमान न करें। शास्त्रों के अनुसार कभी भी किसी छोटे या बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष ना लाए और मन वचन कर्म भी शुद्ध रखे। विशेषकर कन्याओं का दिल ना दुखाए क्योंकि कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य का पालन करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान विशेषकर व्रत करने वाले जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सभी प्रकार के तामसी भावों का त्याग करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण लाभ पूर्ण फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है घर में या बाहर किसी से वाद विवाद ना करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बनाकर रखना चाहिए। इस दौरान घर में अशांति ना होने दे। साथ ही व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। इस तरह से कुछ दादी और नानी के बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स है। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए सॉरी एंड धन्यवाद।